अपनी वन अम्मा को भूल ना जाना। अपनी माँ को कोई कैसे भूल सकता है। चटक मिली और खटक जा रही है, सब खेल है कच केसरी का। मेरी बात गांठ बांध ले, चिंता चिता समान होती है। अपने मन से संताप को मिटा दे, जो बीत गया उसे भूल जा बेटा। प्रतिशोध से शत्रुता ही बढ़ती है, क्षमा करना एक दैवीय गुण है। घृणा की आहुति दे दे, क्षमा कुंड में स्वाहा कर दे। देख ये संसार कितना सुंदर है, जीवन का आनंद ले बेटी। बदले की आग में अपने भविष्य को ना जला बेटी। जा, तेरी वनम्मा का आशीष हमेशा तेरे साथ है, सब मंगलमय होगा। कच केसरी समर्थ हो, जा। तुमने तो एक तीर से दो शिकार कर लिए, तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात आई कैसे? महाकाय, आपने वो कहावत सुनी होगी, जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसके पैर अपने आप वहां खींचे चले जाते हैं। पृथ्वी स्वयं मृत्यु के पास खींचा चला आया। यूं समझिए कि मैंने नहीं मारा पृथ्वी को, मैंने तो सिर्फ उसकी मुक्ति का मार्गदर्शन किया है। पृथ्वी को मारकर आप तो दार्शनिक हो गए। आपको क्या हुआ, आपको यह बात सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? संदेह हमारी प्रसन्नता को कम कर रहा है। संदेह? कैसा संदेह मालवा नरेश? प्रमाण, मृणाल और पृथ्वी मर चुके हैं, उसका प्रमाण कहाँ है? मूलराज के होते प्रमाण की आवश्यकता ही क्यों होगी? यदि आप चाहते हैं तो मूलराज ले आएंगे उसकी बची खुची राख आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। क्यों मूलराज? अवश्य मालवा नरेश, आप अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कीजिएगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए। अब तो शीघ्रातिशीघ्र मालवा की प्रजा को यह शुभ संदेश और पूर्व महाराज और उनके प्रिय सेनापति कल्लारी को यह दुखद सूचना भेजनी होगी, और फिर राज्य के नियमानुसार मान्यखेट को भी उसकी राजकुमारी की मृत्यु की सूचना देनी होगी। विचार विमर्श के लिए राजकीय बैठक बुलानी होगी, योजना बनानी होगी। अब ये कोई राजनीतिक संकट साधारण नहीं है। ये सूचना हम पिताजी को नहीं दे सकते। इस शुभ संदेश को संपन्न मैं या मूलराज कर देंगे। आप तो आज का आनंद लीजिए, कल हमें दुखी होने का अभिनय करना है। मैया के साथ मैया का हाथ चले आए।
बहुत जले हैं भैया। जे भैया आप तो थकती ना हो। हमारे तो पानी निकल गए भूख प्यास के मारे। भैया आज्ञा हो तो जरा पानी पी लें। चलो हड्डियां। अरे हम पे मैया की कृपा जो ठहरी, मैया ने प्राण बचा ला है, मैया की जय हो जी। लेकिन एक बात बताए मैया, एक बार को तो हमें लगाओ मैया ने खंजर हमारे प्राण निकालने कोई फेंको है। मैया को निशान हो चूक को हमारे प्राण बच गए। यदि ये खंजर हमने तुम पर चलाया होता धरती सिंह, तो इस समय तुम धरती पर गिरे होते, क्योंकि मृणाल का निशाना कभी चूकता नहीं है। पृथ्वी वल्लभ, जान गई आप मुझे। हमने तुम्हारी और वनम्मा की बातें सुन ली थी। तुमने कई बार हमारे प्राणों की रक्षा की, इसीलिए आज तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर हमने उन सबका मोल चुका दिया। लेकिन आज के बाद तुम हमसे ऐसी कोई आशा ना रखो तो अच्छा होगा। अब पहचान ही गई हैं आप, तो इस खेल को यहीं समाप्त करते हैं। खेल तो अवश्य समाप्त होगा, लेकिन पहले युद्ध होगा, अभी और यही। और जो भी जीवित बच जाएगा वही यहां से वापस जाएगा। फिर से युद्ध? जब फेड़ दो ना सारे किए कराए पर पानी मैया, जब भेज धरो जंगल जंगल भटके काला ने, जय वास्ते के जे युद्ध ना हो। अच्छा आप हैं के युद्ध को पीछा ना छोड़ती। युद्ध युद्ध युद्ध, अरे अब तो युद्ध का पीछा छोड़ दीजिए। बंद करिए ये नाटक, हमारी चुनौती स्वीकार कर हमसे युद्ध कीजिए। देखिए मृणाल, मैं आपसे मात्र इतनी सावधान, बिना किसी हलचल के खड़े रहिए। डरिए नहीं, प्रकृति का नियम है, कोई भी जीव दूसरे जीव को तब तक हानि नहीं पहुंचाता जब तक उसे स्वयं हानि ना पहुंचे। हम मनुष्य इस नियम को भूल जाते हैं, जीव जंतु नहीं। Nisa, 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 Nis
बरसेंगे बारिश की तरह उस मौसम में मैं मिलूंगा तुम्हें उस अगले मौसम तक मैं करूंगा तुम्हारी प्रतीक्षा जानते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं लेकिन ये जो भी है ठीक नहीं है
जो कह रही है वो महसूस नहीं कर रही, और जो महसूस कर रही है स्वीकार कर लीजिए उसे। जी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे जब तक मान्यखेट और मालवा के बीच ये जो शत्रुता और प्रतिशोध की कहानी समाप्त नहीं हो जाती। तो क्या ये शुभ संदेश दे सकता हूं पिताजी को? स्वीकार करने के लिए आभार। तो क्या अब हम मालवा जाएंगे? नहीं, मालवा नहीं जाएंगे। मैंने आपको गुफा में इसलिए रखा था क्योंकि मालवा में आपके प्राण संकट में थे। आप वहां सुरक्षित नहीं हैं। तो आप? उज्जैन की राजकुमारी हैं अमरुषा, उनके पास जाएंगे। वे मेरी बचपन की मित्र हैं, वहां आप सुरक्षित हैं। उज्जैन कितनी दूर है यहाँ से? उज्जैन नहीं जाएंगे अमरुषा, उन्होंने प्रकृति के बीच रहने के लिए यहीं पास ही में शिविर लगाया है, मुझे भी आमंत्रित किया है। प्रातःकाल हम दोनों वहां जाएंगे। वसंत, तुम्हें एक अत्यंत आवश्यक कार्य करना है पूरे उत्तरदायित्व के साथ। आदेश दे सेनाध्यक्ष, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? तुरंत ही बड़े महाराज के कक्ष में जाओ, उनके साथ में रहना और किसी भी हाल में उन्हें अकेला मत छोड़ना। सेनाध्यक्ष, आपकी बातों में चिंता की छलक है, सब कुशल तो है ना? कुशल है, लेकिन कुशलता आगे बनी रहे, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। इस वक्त राजमहल में बहुत बड़े षड्यंत्र का बीज बोया जा रहा है और हम अपने गुप्तचरों के साथ एक खास बैठक के लिए जा रहे हैं। जी पृथ्वी और मृणाल की अस्थियां, हमारे सिपाहियों ने तो उन्हें यहीं देखा था और गुफा के द्वार पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए थे ताकि उन्हें यहां से निकलने का कोई मार्ग न मिले। उनका बचना असंभव है। असंभव को संभव होने में देर नहीं लगती मूलराज, वो दोनों फिर से भागने में सफल हो चुके। अब सोचने का समय नहीं है हमारे पास, शीघ्रता से अपने गुप्तचरों को पृथ्वी और मृणाल को ढूंढने में लगाइए। मालवा ही नहीं, आसपास के सब राज्यों की सरहदों पर अपने विशेष गुप्तचर भेजिए। और हां, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहां से, अधिक समय तक यहां रुकना उचित नहीं होगा। आइए। Go!
यदि ढूंढने से मिलने जैसा होता तो अभी तक मिल गया होता। तैलपराज ने आपके कक्ष से सारे मदिरा के पात्र हटवा दिए। क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? आपकी भलाई के लिए। उन्हें आपकी चिंता है? चिंता? जानती हो दीदी, इतना आसान नहीं उसे छोड़ना। बुरी लत है? लगती तो बड़ी आसानी से है पर छूटती नहीं। ज्ञान मत दीजिए हमें। ज्ञान नहीं दे रही, मैं तो केवल पूछ रही थी आपसे। इसे छोड़ना आपके लिए कष्टदायी है ना? ऐसा अचानक से? आज अपने आप को धुतकारने का जी चाहता है, भूल जाने का जी चाहता है कि हम आपके गुरु हैं। क्या हमने आपको हत्या और षड्यंत्र करने की शिक्षा दी थी? कहां से सीखा आपने ये सब? सेनाध्यक्ष, आप शांत हो जाइए, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये राजनीति है। चुप हो जाइए। बीच में मत बोलिए, अन्यथा आज के बाद बोलने लायक नहीं रहेंगे। समझने लगे हैं हम, भाई से भाई का ईर्ष्या करना, राजनीति का दाव पेच आप ही ने सिखाया है सिंधु को। युवराज सिंधु, पृथ्वी के प्रति आपकी ईर्ष्या का भान है हमें, लेकिन पृथ्वी के लिए आपके दिल में इतनी नफरत, ये नहीं समझ पाए थे हम। महाराज सिंह दंत को जब ही पता चलेगा कि उनका एक पुत्र दूसरे पुत्र की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? गुरुदेव, आपका संदेह निरर्थक है। हम तो बस यहाँ निरीक्षण करने आए थे कि पृथ्वी और मृणाल के यहाँ होने की बात सच है। मृणाल और पृथ्वी के लिए या उनकी मृत्यु की सूचना की पुष्टि के लिए, मालवा की सुरक्षा के लिए तुम तीनों की राजकुमारी अमरूषा से कहिए पृथ्वी वल्लभ आए हैं। राजकुमारी जी, सम्राट पृथ्वी वल्लभ पधारे हैं।
सम्राट पृथ्वी वल्लभ, हमारे शिविर में आपका स्वागत है। मान्यखेट की राजकुमारी मृणाल, स्वागत है। ये उज्जैन की राजकुमारी अमृषा, मेरी बचपन की मित्र। आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता हुई। पृथ्वी, आपको बताना चाहिए था ना कि आप यहाँ अकेले नहीं, किसी विशेष अतिथि के साथ आने वाले हैं। अगर आप हमें बताते तो हम आप दोनों के स्वागत के लिए कुछ विशेष प्रबंध करते। उसकी आवश्यकता नहीं अमृषा, तुम्हारी मित्रता वही मेरा सम्मान है। आपकी यहाँ आने की सूचना हमने रसनिधि को पहुंचा दी। धन्यवाद। आइए। क्या कर रही हैं? शराब की एक बूंद भी आपके लिए मौत को बुलाने समान है। आप समझते क्यों नहीं हैं? चलिए, इतना तो पक्का है कि मेरे बुलाने से कम मौत तो आएगी। मेरे पति की तरह मुझे धोखा तो नहीं देगा। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपको सब पता है। हाँ, पता है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। आप चाहती क्या है? कि आप मुझे अपनी पत्नी समझे, यही मेरे पति होने का नाटक ना करे। है मंजूर? शराब कभी झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं देते, हमेशा मेरा साथ निभाती है। बाकी सब तो दिखावा करते हैं। मेरा आपके लिए चिंतित होना, आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, आपको दिखावा लगता है? मेरे पति होने का नाटक लगता है? उस खुशा के रहते मुझे ऐसा ही लगता है। अगर नहीं, नाटक नहीं है तो कसम खाइए मेरी, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि उस कुशा को आज ही इस महल के प्रांगण से आप बाहर निकाल देंगे। खाइए कसम। क्या हुआ? मेरे पति को अपनी पत्नी के सर पे? पति हूं आपका, इसलिए कसम नहीं खा सकता। कोशा और मेरे संबंध के बारे में मेरा निर्णय आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं कसम खा के मेरे और आपके संबंध को झूठा नहीं साबित कर सकता। आज हम केवल आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे पृथ्वी, परंतु जब हमने आप दोनों को एक साथ देखा
आपकी आंखों में मृणाल के लिए प्रेम देखा, वो देख के हमें अच्छा नहीं लगा। परंतु हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए था, है ना? हम तो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। कहीं हमारे मित्रता में कोई खूट तो नहीं? बहुत बुरे हैं। बुरी तो नहीं हो तुम बिल्कुल, और ना ही तुम्हारी मित्रता में कोई खोट है। तुम्हारा हृदय है एकदम निश्चल और तुम्हारी मित्रता एकदम पवित्र है। तभी तो तुमने अपनी भावनाएं मुझसे छुपाई नहीं, कह दिया बस जो महसूस किया जैसा महसूस किया। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। नहीं नहीं प्रीति, आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, तो आप क्षमा प्रार्थी क्यों होंगे? तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए, उनकी कद्र उनका सम्मान करते हुए मैं अपना नहीं सकता आपको। मेरी इस असमर्थता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा कर दो अपने मित्र को। राजकुमारी अमरूषा, धन्य है पृथ्वी जिन्हें आपकी सच्ची मित्रता का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रिश्तों में ऐसी सच्चाई, इतनी निश्चलता और पवित्रता को ना तो हमने आज तक कभी जाना और ना ही माना। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को किसी के सामने प्रदर्शित करने को हम कायरता और अपमान समझते थे, किंतु पृथ्वी के साथ रहकर हमने जाना कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में हमारा परिचय कुछ ऐसे व्यक्तियों से हुआ जिनके संबंधों में ऐसी सच्चाई थी कि उन्हें किसी भी प्रकार के विश्वासघात का भय नहीं सताता। और तब हमने समझा कि अपनी भावनाओं को सच्चाई के साथ बताना तो साहस का कार्य होता है। बुरे तो हम हैं जो आप दोनों की बचपन की इस अटूट मित्रता के बीच दीवार बनकर आ गए। नहीं नहीं मृणाल, ऐसा कह के लज्जित मत कीजिएगा। प्रेम तो एक नियति का खेल है, आपके और पृथ्वी के मन के तार वो तो पहले से मिले हुए थे। बस उनका एक सुर में परिवर्तित होना बाकी था। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज हमें राजकुमारी मृणाल के रूप में एक और मित्र जो मिल गए। आपकी मित्रता प्राप्त होना तो हमारा सौभाग्य है राजकुमारी अमरूषा। एक तो पृथ्वी का कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से कल आ रही, हमारी कोई भी नीति पूर्ण नहीं हो रही। कैसे शांत रहूं मैं? गर्दन तो मेरी फंसी है ना। सिंधुराज, यहां दांव पर सिर्फ आप ही की गर्दन नहीं, मेरी भी है। वैसे भी कल्लारी अभी हमारे कब्जे में है। और पृथ्वी? पृथ्वी, मुझे लगता है कि वो उसी गुफा में जलकर भस्म हो गया हो, लेकिन अगर फिर भी कहीं वो जिंदा है तो हमारे गुप्तचर उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। महाराज, अंदर आओ। क्या खबर लाए हो? महाराज, पृथ्वी को उज्जैन की राजकुमारी अमरूषा के शिविर में देखा गया है।
सर, अगर तुम्हारी कही हुई बात असत्य सिद्ध हुई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित। तुम जा सकते हो। अब केवल एक ही उपाय है, किंतु वो संभव नहीं। अब सब कुछ संभव है, आप उपाय बताइए। हम बहुत प्रसन्न हैं मृणाल, आपने बैर भाव के स्थान पर मित्रता को चुना। वर्षों से चली आ रही तो राज्यों के बीच में जो शत्रुता की गांठ है वो अब सदा के लिए मिट जाएगी। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। आप नहीं जानते हैं मृणाल, पृथ्वी के लिए प्रेम और शांति कितना महत्व रखते हैं। उसके जीवन का यही मूल उद्देश्य है। इससे अधिक उसके जीवन में अधिक प्रसन्नता का विषय कुछ हो ही नहीं सकता। और शरीर यहां हमारी बातें तो सुन रहा है परंतु मन हमसे शर्माने की आवश्यकता नहीं है। हम बाहर जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम यूं ही बाहर देख रहे थे। आप बाहर जाइए और जाके अपनी मन की संतुष्टि कर लीजिए। जाइए मृणाल, जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपके पृथ्वी के प्रणय को स्वीकार करने का कारण जान सकते हैं? भावुकता। भावुकता? प्रेम से उत्पन्न भावुकता, जिसका हमारे जीवन में अभाव ही अभाव था। प्रतिशोध की भावना ने हमारे जीवन से प्रेम की भाषा को छीन लिया था, लेकिन पृथ्वी ने हमारे हृदय में उस छिपे हुए प्रेम को जगाया। बस इतनी सी बात है। Thank you.
छल किया अपने पिता की इच्छा का मान रखने के लिए, और अब हम तुमसे प्रेम का ये नाटक करेंगे सिंहदंत की मृत्यु तक पहुंचने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।